राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की चीफ रही, उनके विषय में जो मेरे अनुभव रहे वो कुछ एक बातें आपके सम्मुख रखती हूँ। दादी जी को मैंने विद्यार्थी स्वरूप में भी देखा है, दादी को मैंने टीचर के रूप से भी देखा है, दादी को मैंने एक फ्रेंड के रूप से भी देखा है, दादी को मैंने एक चीफ के रूप से भी देखा है, दादी को एक लीडर के रूप से भी देखा है। बहुत पुरानी बात है, 60s की। दादी जी बैंगलोर आए और वहाँ पर हम कन्याओं का दादी क्लास कराते थे, प्रदर्शनी लगाई गई जिसको गवर्नर ने उद्घाटन करना था। हमारी दादी हम सबको बैठकर प्रदर्शनी कैसे समझानी है, बाबा टेलीग्राम भेजा करते थे कि हर प्रदर्शनी में कौन सी बात समझाई जाए, और वो टेलीग्राम हम लोग बड़े बड़े अक्षरों में लिखकर प्रदर्शनी के सामने के गेट पर रख देते थे और ध्यान रखते थे कि बाबा ने जो पॉइंट कही है वो हम अवश्य समझाएं। हमने देखा आदरणीय दादी जी ने हम सबके अंदर वो बात डाली, बाबा जो बात कहते हैं कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी की पॉइंट, कैसे डबल ताजधारियों की पूजा सिंगल ताजधारी करते हैं ये बात अवश्य समझाओ। प्रदर्शनी लगी और दादी जी एक सोल्जर की तरह सारी प्रदर्शनी में चक्कर लगाते थे, कौन क्या समझा रहा है वह देखते थे। और बाद में रात्रि में हम लोगों की मीटिंग होती थी, उसमें वो बात दादी स्पष्ट करते थे, आज मैंने ये देखा, ये सुना। दादी विद्यार्थी के रूप से, बाबा टीचर हैं और टीचर ने जो बात कही है वो हमें प्रैक्टिकल में लानी है, ये दादी हम सबको पक्का कराते थे। टीचर के रूप से दादी जी कहते थे टीचर माना ऑलराउंडर, केवल ज्ञान सुनाने का काम नहीं है लेकिन टीचर अर्थात पालना देने वाली, टीचर अर्थात बाप समान बनाने वाली। हम सब की टीचर्स ट्रेनिंग माउंट आबू में हुई और उसमें दादी जी एक सफल टीचर के रूप से जिस प्रकार हमें मुरली सुनाते थे वह देखने योग्य होता था। आज दिन तक हमारे सामने अगर रोल मॉडल है मुरली सुनाने का तो वो दादी है। और इस बात का मैं भी ध्यान रखती हूँ कि दादी ने जैसे सुनाई, दादी की तीन बातें बहुत इम्पोर्टेंट थी जो उन्होंने पर्सनली भी मुझे कही और अदरवाइज भी दिखाई देती थी। एक तो दादी कहते थे गद्दी पर जाते हो, और वो आज दिन तक मैं करती हूँ, गद्दी पर जाते हो तो ये याद करो शिव बाबा की गद्दी है जो जिस पर मैं बैठने जा रही हूँ,
और इस गद्दी की गरिमा है। इस गद्दी पर बैठकर भगवानों वाच ही बोलने होते हैं, कुछ और नहीं। दूसरी बात, दादी जी ने कहा, मुरली सुनाते समय कभी भी उसे शिक्षा का साधन टीचर को नहीं बनाना चाहिए। एक स्थान था, मैं नाम नहीं सुनाऊंगी, वहां पर सारा हंगामा इसीलिए हुआ कि टीचर मुरली के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा देती थी और उस कारण उस टीचर को बहुत सहन करना पड़ा। दादी दीदी दोनों आए थे और उन्होंने ये बात चर्चा करते पर्सनली, जैसे मेरे से कहीं इस बात का हमें सदा, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन दादी ने ये बात जो कही वो मेरे मन और चित्त पर सदा स्थित है। तीसरी बात जो दादी की बहुत विशेष टीचर के रूप से थी, जब दादी मुरली सुनाते थे कभी भी दादी जी के अपने संस्कार उसमें उजागर नहीं होते थे। दादी बाबा के संस्कारों को इमर्ज करते थे और अपने संस्कारों को दबा करके रखते थे। इसलिए दादी के द्वारा सुनी हुई मुरली हम सबको इतनी प्रिय और शक्तिशाली लगती थी जो हम कभी भूलते नहीं थे। दादी हमें मुरली से खेलना सिखाते थे, दो ग्रुप बना देते थे और जैसे बैडमिंटन होता है इस तरीके से मुरली के पॉइंट्स रिवाइज कराते थे। इस पॉइंट का आरंभ कहाँ से हुआ ये बताओ, तो ये भी एक बहुत आनंददायक हमने अनुभव दादी जी से प्राप्त किया है। इसी रीति प्यारे दादी जी चीफ भी थे और चीफ के नाते से आंखों देखा एक दृश्य मैं आपके सामने रखूंगी कि चीफ को कितना निर्माण होना होता है और जितना निर्माण वो उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्रदर्शित करता है। दादी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का तो कहना ही क्या, उसकी निर्माणता का कहना ही क्या। एक दिन मधुबन में पांडव भवन में दादी और मैं इकट्ठे खड़े थे। दादी ने देखा गेट पर कुछ हलचल हो रही है, एक गाड़ी आई, जीप आई, उससे एक व्यक्ति उतरा और जो गेट पर गेट कीपर था उसके साथ झड़प हो रही थी। दादी जी ने कहा चलो हम वहां चलते हैं। गए तो पूछा क्या बात है, तो बोला अगर इस व्यक्ति को ये नहीं पता ये किसकी गाड़ी है, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए, तो इसने ये वर्दी क्यों पहनी है। और वो एसडीएम था, आईएएस ऑफिसर था, उसको बहुत बुरा लगा, उसकी गाड़ी को रोका गया, आग बबूला हो गए थे। दादी जी ने शीतल जल डाला, कैसे इतना निर्माण होकर के हाथ जोड़कर दादी कहती हैं कि इसकी गलती नहीं, ये मेरी गलती है। और जब उसने ये कहा, दादी जी ने ये कहा, मैंने उस भाई को बोला आप जानते हैं ये कौन है, ये संस्था की चीफ है, वो दादी से ही मिलने आया था। और जब उसने ऐसा दृश्य देखा पिघल गया, दादी के चरणों पर पड़ा। ये थी हमारी दादी जो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ लेकिन इतनी निर्माण। एक चीफ अपने गुणों से बनता है और ये दादी ने वो आदर्श बाबा का प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसी रीति दादी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी,
लीडरशिप क्वालिटी अर्थात आप समान बनाना और स्वयं आगे बढ़ जाना। और दादी यही संस्कार दूसरों में भी डालती थी। एक बार कलकत्ता में बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फर्स्ट टाइम हो रही थी। कलकत्ता की प्रेस इतनी कोऑपरेटिव नहीं थी, परंतु उन्होंने आना स्वीकार किया क्योंकि बहुत बड़ा मेला रखा गया था। मेले में सारे मीडिया पर्सन्स आए। दादी ने मेरे से कहा, आशा इसकी ना प्रेस रिलीज तुम लिख दो। तो उस समय मैं छोटी भी थी, अनुभवी भी नहीं थी, लेकिन दादी ने कहा प्रेस रिलीज लिखो। मैंने कहा, दादी मैंने कभी भी लिखी नहीं है। दादी बोले, कोई तो दिन होगा जो तुम लिखोगी, समझ लो आज ही वो दिन है और तुम प्रेस रिलीज लिखो। उस समय हमारे बड़े भाई वहाँ नहीं थे। प्रेस रिलीज लिखी और दादी जी को दी। दादी खुश हुए, शाबाश भी दी और मीडिया पर्सन्स ने भी उसको अच्छी रीति से उपयोग में लाया। ये थी दादी की लीडरशिप क्वालिटी का एक अनुभव। इसी रीति से दादी बहुत कंपैशनेट थे। मेरी आंखें भर आती हैं जब मैं इस किस्से को सोचती हूँ। अनेक दादी के सानिध्य में बहुत बहुत मीठे, दिल को छूने वाले अनुभव हैं। दादी जी ने मेरे पाँव में तकलीफ थी और काफी तकलीफ थी। दादी ने देखा इसके पाँव में इतनी तकलीफ है। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बहन को बोला। मैं उस समय कोई बहुत बड़ी टीचर नहीं थी। दादी ने उस बहन को क्या बोला, बहुत महिमा की और कहा, क्या तुम उसकी ये सेवा कर सकोगी, उसके पाँव में दवाई लगाना आदि कर सकोगी। उस बहन ने एक सेकंड में हाँ बोला। दादी ने मुझे नहीं बताया, मैंने समझा वो बहन का प्यार है मेरे से, इसलिए वो करती है। लेकिन दादी बीच बीच में उससे पूछते रहते थे, वो भी उस बहन ने मुझे नहीं बताया। जब दादी अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद उस बहन ने मुझे सारी कहानी सुनाई। ये थी हमारी दादी, करुणा की मूर्ति, प्रशासिका के हिसाब से दादी के जो गुण थे जबरदस्त। लास्ट में जब दादी कर्मातीत स्थिति को थी, दादी क्लास नहीं कराते थे, लेकिन मैं दादी के पास जाके बैठ के दादी से पूछती थी, दादी मैं क्लास कराने जा रही हूँ, मैं आपकी तरफ से क्या सुनाऊँ। दादी से मैं प्रश्न पूछती थी, दादी उत्तर देते थे। दादी से मैंने पूछा, दादी प्रशासन में कौन सी बात चाहिए, आप हमेशा कहते हो लव एंड लॉ का बैलेंस हो। दादी बोले, नहीं, ओनली लव, ओनली लव। मैंने दादी को लवफुल और लॉफुल दोनों देखा है, भरपूर देखा है, परंतु जब आत्मा अपनी परिपक्व अवस्था में पहुंच जाती है, वो सच्चाई ट्रूथ सबके आगे वर्णन करती है। और दादी ने कहा, केवल और केवल लव। ये एक अमिट छाप दादी जी की इस मानस पटल पर है, जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। दादी हमारे आंखों के सामने नहीं, परंतु हमारे दिल और दिमाग में हर स्थान पर दादी बसती है। ORC के लिए जब यहाँ केवल और केवल खेती खेत होते थे, अभी ORC की शुरुआत ही हुई थी, दादी बहुत बड़ा चैलेंज, इसको मैं कहती हूँ लीडरशिप क्वालिटी,
बहुत बड़ा चैलेंज जाते जाते छोड़ गए। मेरे को कहा, आशा ये स्थान एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। दादी सोचते थे, इतना बड़ा स्थान जो बाबा ने बनाया, अगर सेवा में नहीं लगेगा तो किस काम का। एक दिन भी खाली नहीं रहना चाहिए। और सच में दादी की इस बात ने मेरी नींद उड़ा दी। और हर समय यही सोचती थी, कैसे यहाँ पर प्रोग्राम रचे जाएं जो आत्माएं आए लाभ लें। दादी जी का आशीर्वाद, वरदान, शिक्षा वो सदा साथ साथ रहेगी। ओम शांति।